2022 में मैंने काट किया था भैया रामलीला मैदान से। रामलीला मैदान यहाँ शास्त्री पार्क में, रामलीला मैदान एक बहुत छोटा साधारण सा मैदान है, उसमें मेरे हस्बैंड ने एक स्टॉल किया था भैया। जिंदगी का नाम ही चैलेंज होता है भैया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कुछ करना है, तो मेरे मन में आया जैसे कि मैं काम के लिए बहुत टाइम से तलाश करती रहती हूँ कि मेरे को कोई काम मिल जाए, कोई काम मिल जाए। जिंदगी का नाम ही चैलेंज होता है भैया। शायद कहते हैं ना जिंदगी का दूसरा नाम ही जंग होता है, बस वैसे ही समझ लीजिए। यहाँ आई, बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कि आते साथ चल गया। पहले कुछ लोगों का मजाक का पात्र बनती रही, ठीक है, फिर जब कुछ मैंने मतलब अपना नाम कमा लिया। मैं जिंदगी में एक ही बार काम करने सड़क पर निकली हूँ, जिसे 2 साल हुए हैं, और मैंने इस 2 साल के अंदर जितना नाम मैंने कमाया है ना भैया। हाँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं थी इस चीज़ में, प्रोफेशनल अब हो गई, लेकिन उस वक्त तो एक ऐसे ये समझ लो घर वाला टेस्ट पसंद आएगा कि नहीं, बहुत सारे सवाल मेरे मन में थे, मैं कुछ कमा पाऊँगी कि नहीं। लेकिन वहाँ जो मैंने शुरुआत की थी ना भैया, इंडक्शन चूल्हे पे की थी, तो मुझे सही नहीं लगा कि मैं कोई खर्चा लगाऊं और 10 दिन के स्टॉल में कि मैंने कोई लाइफ टाइम तो ये काम करना नहीं। लेकिन वही चीज़ है, आपको जैसे मैंने कहा कि हम तो अपनी सो प्लानिंग बनाते हैं, मगर भैया होता वही है ज़िंदगी के अंदर जो भगवान ने सोच रखा होता है। तो मैं शुरू से ही भगवान से बहुत मांगती थी, लेकिन यही मेरी पहचान बनाएगा वो बाबा मुझे नहीं पता था। दुनिया को लाज नहीं आती होगी, एक मेरे अंदर यही बहुत बीमारी है कि मैं किसे मांग नहीं सकती भैया, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं भगवान को हमेशा यही कहती थी कि मुझे ऐसे में रखियो, ऐसे नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, एक 10 का नोट भी अगर आज की डेट में आप किससे मांगते हैं ना भैया, और वो कितना एहसान जता कर आपको देता है ना, वो सिर्फ उसी को पता होता है जिसको वो 10 का नोट मिलता है जी। ठीक है ना, मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के एहसान के तले दबूँ, क्योंकि देखिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, सबके अपने खर्चे हैं, अपनी सबकी लाइफ है। बस उसी के चलते भैया मैंने ये सोचा कि मैं खुद कुछ करूँगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, बजाय मैं किसी को और को स्टैंड करूँ, कुछ भी करूँ, नौकरी करूँ। नौकरी में मैं नहीं कमा सकती थी भैया, मेरे को अपना फैमिली भी देखनी है, अपने बच्चे भी देखने हैं, और मुझे अपनी हेल्थ भी देखनी है। इसके चलते मेरे हाथ में ये टैलेंट शुरू से ही था कि मैं खाने का काम कर सकती हूँ, और अगर मैं कहीं जॉब भी करती तो शायद मैं यही सोचती थी कि मैं कहीं खाने का काम कर लूँ। तो जब किसी के यहाँ कर लूँ तो इससे अपना ही क्यों ना कर लूँ, ये चीज़ सोच कर ये मैंने शुरुआत की भैया। यहाँ पर ये जो मैंने रामलीला मैदान में 10 दिन की स्टॉल की थी ना भैया, वहाँ स्टार्टिंग में ना 50 रुपये रेट रखा गया था, 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये, सिर्फ 50 रुपये। और उस 50 रुपये के रीज़न बहुत गहरे थे, 2-3 रीज़न थे उसमें। पहला रीज़न ये था कि वो मैदान इतना वो नहीं था बड़ा कि जिसमें कि लोगों को नॉलेज हो कि ये क्या आइटम है। दूसरा, मेरे पास ऐसा सेटअप नहीं था जिसको मैं कहीं ऐसा, आप देखोगे ना दुकान, वो ऊंची दुकान, फीके पकवान वो चल जाते हैं, लेकिन अगर ऊंची दुकान होती तो मैं भी चला सकती थी। लेकिन मेरे सेटअप को देखकर क्या होगा, कौन आएगा, इस चीज़ को देख के मैंने वहाँ रेट ज़्यादा रखे ही नहीं। लेकिन वही बात है कि भैया इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। बिल्कुल बाबा, शाम की कृपा ऐसी थी मुझ पर कि मेरे पास जो कस्टमर एक बार वहाँ आया, वो वहाँ पे ही मेरा परमानेंट हो गया, और मेरा वहीं लोगों ने नंबर लेना स्टार्ट कर दिया था कि दीदी आप नेक्स्ट स्टॉल कहाँ करोगे। मैं तब भी नहीं समझ पाई कि बाबा मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। फिर उसके बाद भैया मैंने एक इससे पहले भी काम किया सैंडविच का, घर से ही मैं सैंडविच बनाया करती थी, और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों ने भी बहुत सफ़र किया भैया इस काम में। सैंडविच बना के हम सप्लाई देते थे भैया बाहर, लेकिन वो भी काम मेरा रद्द हो गया। जिंदगी का नाम ही चैलेंज होता है भैया। शायद कहते हैं ना जिंदगी का दूसरा नाम ही जंग होता है, बस वैसे ही समझ लीजिए। यहाँ आई, बहुत कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कि आते साथ चल गया। पहले कुछ लोगों का मजाक का पात्र बनती रही, ठीक है, फिर जब कुछ मैंने मतलब अपना नाम कमा लिया, जैसे कि मैं आपको बताऊं भैया, आजकल कोई अपने दम पर सोचे मैं फेमस हो जाऊं, तो उसको आप सुनोगे कि 86 साल पुरानी दुकान है, 90 साल पुराना नाम है ना, वैसा कुछ भी नहीं है मेरा। मैं ज़िंदगी में एक ही बार काम करने सड़क पर निकली हूँ, जिसे 2 साल हुए हैं, और मैंने इस 2 साल के अंदर जितना नाम मैंने कमाया है ना भैया, मेरे लिए काफ़ी है। मुझे नहीं है इससे ज़्यादा का लालच, बाबा मेरे सिर पे यही रोजी रोटी बनाई रखे, मैं इसी में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। पहले मजाक बना, फिर जब नाम चला तो कॉम्पिटिटर भी आए, और कॉम्पिटिटरों से हमें डर नहीं लगता, ये कुलचा भैया हमारा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताती हूँ,
अब कॉम्पिटिटर आने के बाद भी भीड़ लगती है तो कोई रीजन तो होगा ना। बिल्कुल नहीं। और उस रीजन का नाम ये सब्जी या मैं या ये आइटम नहीं है, उस रीजन का नाम बाबा श्याम है। मैं खुला दावा करती हूँ, आप मुझे हरा सकते हो, आप उसे कभी भी नहीं हरा सकते। दूसरे को हराने के बजाय ना उससे सहारा मांगना सीखो, शायद आपको उससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा दे देगा। वो बहुत दिलदार है भैया, बहुत दिलदार। उसने वो मुझे दिया जो मेरे भाग्य में था ही नहीं। इससे बड़ी बातें मैं आपको शायद कह नहीं सकती। ये भैया इसमें ये क्या रहता है आप दिखा सकते हैं नज़दीक से? इसमें ये कबाब रहता है पनीर का। अच्छा, ये कबाब होता है इसका और ये इसके ऊपर आ जाती ग्रेवी हमारी। इसमें आप जितना मर्जी स्पाइसी और जितना मर्जी लाइट स्पाइसी कैसा भी करवा सकते हैं। इसके अंदर पनीर, शिमला, सोया चाप, मशरूम, ये सब आइटम्स रहती है भैया। और दीदी इसका प्राइस क्या रहता है? 120 रुपए जी। और वहाँ पे इसके साथ हम रुमाली और कुलचा दोनों करते हैं, ऑप्शनल है। आप चाहे दो रुमाली ले लीजिए या दो कुलचे ले लीजिए, दोनों चीजें हम माइक्रोवेव में बेक करके देते हैं बटर और मसाला लगाकर। देखिए दिल्ली तो बहुत लोग आते होंगे जाते होंगे, लेकिन वो शख्स यहाँ से पैकिंग लेकर के गए थे रुद्रपुर, नैनीताल, परमानेंट है मेरे, गुड़गांव से, नोएडा से, राजनगर एक्सटेंशन से, और ये आपके शादरा से, गीता कॉलोनी तो चलो यही हो गया, आपके लाजपत नगर से, बहुत कस्टमर है बुराड़ी से, एक हमारे फेमस कस्टमर है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, उन... खड़े ये भी लाजपत नगर वाले। मैं बहुत खुश हूँ जाऊँ, मैं बस मैं एक ही चीज़ जाती हूँ बाबा, दुनिया चाहे मेरे कितनी भी लाभ हो जाए आप मेरा साथ मत छोड़ना। उस दिन के बाद एक ऐसी रफ्तार ले ली थी मैंने मेरे काम ने कि मैं आपको बताऊं, लोगों को जलन मच गई थी कि ये भैया इसके पास कैसे आ गए। और मैं आपको उसका भी जवाब देती हूँ। देखिए दुकान मेरी थी, आए जी करण जी आए अपनी मर्जी से थे, लेकिन उनको यहाँ तक लाने वाले मेरे पास मेरे बाबा श्याम थे। जब जब कोई परेशानी आती है ना तो परेशानी के साथ साथ बाबा श्याम भी आते हैं। इसलिए आपको सच बताऊं तो परेशानियों से भी प्यार हो चुका है, क्योंकि यकीन हो जाता है उस वक्त कि अब दिक्कत आई है तो बाबा भी आते ही होंगे। जी बताइएगा ये क्या आ गया? ये भैया आपका इसके अंदर आ गया कबाब, वही वाला पनीर वाला कबाब। ये आपकी आ गई ग्रेवी। अब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ या ये डिश क्या है, सबको पता है सब कुछ। तो यही कहना चाहूँगी अगर अच्छा लगे तो आप भी आइएगा और अपनी फैमिली को भी लाइए। क्या मेरा 7 से 11 बजे का टाइम है? मैं आपको कहूँ 6 बजे का है तो 6 बजे का नहीं है, 7 से 11 बजे का टाइम है मेरा यहाँ पर। उसमें कभी कभी थोड़ा जल्दी और कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है जैसे आने का टाइमिंग। और आना है आपने सामने, देखे आप मेरे सामने पिज़्ज़ा हट भी है और सामने एक्सिस बैंक भी है, गीता कॉलोनी आता है आपने 11 ब्लॉक आना है अपने गीता कॉलोनी में, एक्सिस बैंक के ठीक सामने या पिज़्ज़ा हट के ठीक सामने।